स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में मैं आपको गूगल मीट के एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। गूगल मीट के इस अपडेट से काफी सारे टीचर्स और काफी सारे ट्यूटर्स का फायदा होने वाला है, क्योंकि जो टीचर्स अपनी क्लासेस लेने के लिए गूगल मीट को यूज करते थे, अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए गूगल मीट का यूज करते थे, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपस में चैटिंग कर पाते थे। अभी तक वो आपस में एक दूसरे से चैटिंग कर पाते थे और जो होस्ट है वो चैट फंक्शन को ऑफ नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ जो प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन है, उस प्रेजेंट स्क्रीन के ऑप्शन को भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मीटिंग में जितने भी लोग हैं वो सभी प्रेजेंट कर पा रहे थे अपने स्क्रीन को। ऐसा नहीं हो रहा था कि होस्ट जब परमिशन दे तभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्रेजेंट कर पाए। तो इस समस्या को गूगल ने सॉल्व कर दिया है। अब गूगल मीट के अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे, कुछ ऐसे नए ऑप्शंस मिलेंगे जिसके थ्रू आप चैटिंग विंडो को ऑफ कर सकते हैं और आप प्रेजेंट स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए, और जब आप चाहें तभी पार्टिसिपेंट्स चैट विंडो पे कुछ लिख पाएं। इस तरह के ऑप्शंस को भी आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं अपने गूगल मीट के अंदर। तो इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूं कि ये जो गूगल मीट का फीचर है, क्या ये गूगल ने सभी तरह के यूजर्स के लिए अवेलेबल करवाया है, या फिर जो परचेस आईडी होती है, जो परचेस करी हुई ईमेल आईडीज होती है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये फीचर्स अवेलेबल है। क्या ये फीचर्स नॉर्मल यूजर भी यूज कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जीमेल आईडी यूज करते हैं, जो गूगल मीट को यूज करते हैं, वो इन फीचर्स को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक और चीज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गूगल मीट जब मार्केट में आया था तो वो सिर्फ पेड यूजर के लिए अवेलेबल था, ठीक है, फ्री यूजर्स के लिए वो अवेलेबल नहीं था। बाद में गूगल ने उसको फ्री यूजर्स के लिए भी अवेलेबल करवाया है, गूगल मीट को अवेलेबल किया था फ्री यूजर्स के लिए भी। तो जैसे कि गूगल ने पहले गूगल मीट को सिर्फ पेड यूजर्स के लिए रखा था, फिर बाद में उसने फ्री यूजर्स को भी इसका एक्सेस प्रोवाइड करवाया, सेम ऐसे ही क्या ये जो न्यू फीचर्स हैं गूगल मीट के अंदर, क्या ये सिर्फ पेड यूजर के लिए हैं या फ्री यूजर भी इन्हें यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल और देखते हैं ये फीचर्स कैसे वर्क करते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। सबसे पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा गूगल क्रोम ओपन है और यहाँ पे मेरी ये एक परचेस्ड आईडी, इस आईडी को मैंने परचेस करा हुआ है, ये मेरी पेड आईडी है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें कि पेड आईडी और नॉर्मल आईडी जब हम यूज करते हैं गूगल मीट के लिए तो दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है, तो मैं आपको दिखा दूं। ये मेरी पेड आईडी का इंटरफेस है, ठीक है, और अब जो मैं गूगल मीट को ओपन करने वाला हूँ ये मेरी फ्री आईडी का इंटरफेस है। तो ये जो इंटरफेस है ये मेरी फ्री आईडी का इंटरफेस है और ये जो इंटरफेस है ये मेरी पेड आईडी का इंटरफेस है। अब आप देख सकते हैं कि फ्री आईडी में यहाँ पे न्यू मीटिंग का बटन है जिसके अंदर आप डायरेक्टली लिंक शेयर कर सकते हैं, मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं, गूगल कैलेंडर पे जाके मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई कोड है और उस कोड को यहाँ पे एंटर करके आप मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इंटरफेस है मेरी फ्री वाली आईडी का, और ये जो इंटरफेस है ये मेरी पेड वाली आईडी का है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको शेड्यूल मीटिंग के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। अगर आपको कोई मीटिंग स्टार्ट करनी है या अगर आपको किसी मीटिंग पे ज्वाइन होना है तो आप इस ज्वाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक पॉपअप बॉक्स आता है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप यहाँ पे कोड इंसर्ट करिए और कंटिन्यू करिए। अगर आपको ज्वाइन नहीं होना है, आपको मीटिंग स्टार्ट करनी है, खुद की मीटिंग क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे आप अपना एक निकनेम रखिए, जो भी आप निकनेम रखना चाहते हैं, या आप उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए और कंटिन्यू करिए, तो आपकी जो मीटिंग है एक नई मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको सबसे पहले पेड आईडी के थ्रू मीटिंग ज्वाइन करके बता रहा हूं और उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कंट्रोल्स हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने पेड आईडी से मीटिंग को स्टार्ट कर दिया है। अब जैसा कि आप देखेंगे कि ये मेरी पेड आईडी का इंटरफेस है, यहाँ पे मैंने माइक और कैमरा को ऑफ करा हुआ है, यहाँ पे ये मीटिंग की URL आ गई है, यहाँ पे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन है, मैं इस बटन से मीटिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको मोर ऑप्शंस में दिखा दूं, एक नया ऑप्शन अवेलेबल है गूगल मीट के अंदर कि अगर आप अपनी मीटिंग को लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को इस मीटिंग की लिंक दे दें, वो मीटिंग में ज्वाइन ना हो बट फिर भी वो अगर आपकी मीटिंग को देख सकता है, अगर आप इसको लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब पे आप लाइव स्ट्रीम करते हैं, आप गूगल मीट से अपनी मीटिंग को भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो अगर आप इसे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आप इस लाइव स्ट्रीम ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये लाइव स्ट्रीम ऑप्शन को अभी ऑन कर देता हूं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है। जैसे ही मैंने ये लाइव स्ट्रीम ऑप्शन को ऑन करा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे कि एक नई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इन हाउस लाइव स्ट्रीम। ये स्ट्रीम की URL है जो मुझे मिल गई है। इस स्ट्रीम की URL से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को भी ये मीटिंग अवेलेबल करवा सकता हूँ। अगर वो मेरी मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो रहा है फिर भी वो मेरी मीटिंग को देख सकता है। तो दिस इज द फीचर विच अवेलेबल ओनली इन द पेड आईडी, ठीक है। ये फीचर फ्री आईडी में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ पेड आईडी में अवेलेबल है। मैं आपको इसकी URL कॉपी करके बता देता हूँ। मैंने ये कॉपी कर लिया है, मैं अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ
और मैं इस स्ट्रीम की लिंक को ओपन कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये मुझे लॉगिन करने को बोलेगा। पहले मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ किसी भी एक आईडी से, और आप इस स्ट्रीम को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रीम है ये अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए ये स्टैंड बाय मोड पे है। अभी मैं इस मीटिंग में ज्वाइन नहीं हूँगा, फिर भी ये स्ट्रीम को मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से ज्वाइन नाउ करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रहा है, स्टार्ट स्ट्रीमिंग। ठीक है, ये मुझे एक पॉपअप मिल रहा है स्ट्रीम को स्टार्ट करने के लिए। मैंने स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दिया। इज़ एवरीवन ओके विद स्ट्रीमिंग दिस? मेक श्योर एवरीवन इज़ रेडी टू स्टार्ट स्ट्रीमिंग दिस मीटिंग। स्टार्ट स्ट्रीमिंग, ओके। नाउ ये जो मीटिंग है ये लाइव है, ये रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, अगर ये रिकॉर्डेड होती तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता, अगर ये लाइव है तो यहाँ पर लाइव का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप इस मीटिंग को रिकॉर्ड और लाइव दोनों एक साथ कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको स्ट्रीमिंग का ऑप्शन भी मिलेगा और रिकॉर्ड मीटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप रिकॉर्ड मीटिंग भी करते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड भी होने लग जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो मीटिंग है वो रिकॉर्ड भी हो रही है और लाइव स्ट्रीम भी हो रही है। ठीक है, अब ये जो लिंक जिसको मैंने ओपन करा था लाइव स्ट्रीम देखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिस स्ट्रीम इज़ नॉट अवेलेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो स्ट्रीम है ये फ्री वाली आईडी से आप नहीं देख सकते हैं, ये सिर्फ आप पेड आईडी से ही देख पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास पेड आईडी है तो आप इस स्ट्रीम को देख सकते हैं। तो मैं एक दूसरी पेड आईडी से इस स्ट्रीम को ओपन करता हूँ। तो ये देखिए ये स्ट्रीम कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जैसे हमें यूट्यूब का कोई वीडियो दिखाई देता है, सेम वैसे ही ये स्ट्रीम भी हमें दिखाई दे रही है। ओके, ये लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन है। अब मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे गूगल ने एक नया ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, यहां इस ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे ऑप्शन दिखाई देगा क्विक एक्सेस। ठीक है, क्विक एक्सेस में व्हेन टर्नड ऑफ एवरीवन हु इजंट इनवाइटेड मस्ट आस्क टू ज्वाइन इंक्लूडिंग पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने किसी को इन्विटेशन भेजा है तो वो आपकी मीटिंग में डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएगा। कोई और पर्सन जो आपकी मीटिंग में ज्वाइन होना चाहता है उसको जब आप परमिशन देंगे तभी वो ज्वाइन हो पाएगा। ठीक है, और सबसे बढ़िया जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हुआ है गूगल की तरफ से वो है शेयर देयर स्क्रीन एंड सेंड चैट मैसेज। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी मैसेज सेंड ना कर पाए तो आप इसे ऑफ कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी स्क्रीन को शेयर ना कर पाए तो आप इसे ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको सेटिंग्स यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। व्यू ऑल होस्ट सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो सारी सेटिंग्स आपको दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको ये सेटिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी। और दूसरा तरीका है सेटिंग्स को देखने का कि आप जब मीटिंग डिटेल्स पे जाते हैं, यहाँ पे जब आप मीटिंग डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, इस एरिया पे जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे होस्ट कंट्रोल नाम की एक चीज़ आ गई है। जब आप इस होस्ट कंट्रोल के ऊपर क्लिक करते हैं तो भी आपको यही कंट्रोल दिखाई देते हैं, शेयर देयर स्क्रीन एंड सेंड चैट मैसेजेस। ओके, सो नाउ मैंने जो शेयर स्क्रीन है उसे ऑफ करा हुआ है, चैट मैसेज जो है उसे ऑफ करा हुआ है। ठीक है, व्यू ऑल होस्ट मीटिंग में वही पॉपअप बॉक्स दिखाई देगा जो मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ। अब मैं इस मीटिंग में ज्वाइन होता हूँ, एक फ्री ईमेल आईडी जो कि मैं गूगल मीट के अंदर यूज़ करने वाला हूँ उससे मैं ज्वाइन होता हूँ, और आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं मैसेजेस भेज पा रहा हूँ कि नहीं भेज पा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर ज्वाइन हो रहा हूँ, ये मेरी मीटिंग डिटेल है और इसको यूज़ करके मैं ज्वाइन हो रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने मेरी गूगल मीट की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, मैं इसमें ये कोड इंसर्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे ज्वाइन होने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने ये ज्वाइन मीटिंग के ऊपर क्लिक कर दिया है मेरे मोबाइल फ़ोन से। नो सच मीटिंग, ठीक है, तो यहाँ से मैंने ज्वाइन मीटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे मैसेज आएगा एडमिट का, मैं यहाँ से एडमिट हो गया हूँ मीटिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं ये मैं मेरी एक ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन हो गया हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पार्टिसिपेंट हैं मीटिंग के अंदर, और क्योंकि मैंने यहाँ पे मैसेज को टाइप करने का जो फीचर है वो ऑफ करके रखा हुआ है तो मुझे मेरे मोबाइल स्क्रीन पे कोई भी मैसेज टाइप करने का फीचर नहीं मिल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मोबाइल एप्लीकेशन थी वहाँ पे चैट का ऑप्शन मुझे अवेलेबल नहीं हो रहा था। अब मैं मेरे कंप्यूटर से ही मेरे दूसरे ब्राउज़र के थ्रू मैं इस मीटिंग में ज्वाइन हुआ हूं, तो मुझे ब्राउज़र विंडो पे जो मेरी दूसरा ये जो मीटिंग है जहां पे मैं ज्वाइन हुआ हूं एज अ पार्टिसिपेंट, मुझे यहां पे प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे चैट का ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है और प्रेजेंट स्क्रीन करने का ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है कंप्यूटर के ब्राउज़र के ऊपर। बट मोबाइल एप्लीकेशन में क्योंकि अभी ये नया अपडेट है तो मोबाइल एप्लीकेशन में चैट तो डिसेबल हो गया है,
बट प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन अभी डिसेबल नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही इसका नया अपडेट आता है मोबाइल एप्लीकेशन का, तो उसमें प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन भी जो है वो होस्ट मैनेज कर सकते हैं। वो अगर यहाँ से होस्ट कंट्रोल से प्रेजेंट स्क्रीन को बंद कर देंगे तो मोबाइल यूज़र जो हैं, जो मोबाइल से पार्टिसिपेंट कनेक्ट हुए हैं मीटिंग के अंदर, वो अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अभी क्योंकि इसका अपडेट नहीं आया है तो अभी ये प्रेजेंट हो रही है मोबाइल के थ्रू, बट जैसे ही कि नया अपडेट आएगा मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो हम मोबाइल के थ्रू प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे बिना होस्ट की परमिशन के, ठीक है दोस्तों। तो ये जो चीज़ें थी ये गूगल की तरफ से नई अपडेट हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं एक नई ईमेल आईडी से ज्वाइन हुआ हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया, और इस स्क्रीन पे मुझे प्रेजेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है जो कि मुझे नॉर्मली मिलता था, बट अब वो जो ऑप्शन है वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ टर्न ऑन कैप्शन के पास में मुझे प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन दिखता है, अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से दिखाई देता है। ये मेरा मेन ब्राउज़र है जहाँ से मैंने मीटिंग क्रिएट करी है, जहाँ से मैं एज अ होस्ट वर्क कर रहा हूँ, और ये जो मेरी मीटिंग है ये मेरी वो मीटिंग है जिसमें मैं एज अ पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुआ हूँ। तो देखिए मैं आपको दोनों स्क्रीन दिखा दूँ, ये मेरी दोनों स्क्रीन है, एक स्क्रीन मेरी होस्ट की है और एक स्क्रीन मेरी पार्टिसिपेंट की है। तो आप देख सकते हैं कि होस्ट स्क्रीन पे मुझे प्रेजेंट का ऑप्शन दिख रहा है, पार्टिसिपेंट स्क्रीन पे मुझे प्रेजेंट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे मुझे चैट का ऑप्शन भी डिसेबल बता रहा है, ठीक है। अगर मैं होस्ट की तरफ से यहाँ पे सारी चीज़ों को इनेबल कर देता हूँ, होस्ट के कंट्रोल से मैं यहाँ से चैटिंग और प्रेजेंट स्क्रीन इनेबल कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए अभी मैसेज टाइप करने का ऑप्शन मिल गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन भी मिल गया है, ठीक है। तो ये मेरी होस्ट स्क्रीन है और ये मेरी पार्टिसिपेंट स्क्रीन है, ठीक है ठीक है। दोनों स्क्रीन में आपको अंतर दिखाई दे जाएगा। यहाँ होस्ट स्क्रीन पर मुझे ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू मैं मीटिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ, और यहाँ पार्टिसिपेंट स्क्रीन पर मेरे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो है ये मेरी एक फ्री आईडी है, ठीक है। होस्ट कंट्रोल जो है वो सिर्फ पेड आईडी में अवेलेबल है, फ्री आईडी में अवेलेबल नहीं है। और जब मैं होस्ट की तरफ से सारी चीज़ों को ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं चैट भी नहीं कर सकता, और यहाँ पर प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन भी मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें जो मुझे आज आपको इस वीडियो में बतानी थी वो मैंने बता दी है। ये कुछ नए फीचर्स हैं जो कि गूगल की तरफ से अवेलेबल कराए गए हैं गूगल मीट के अंदर। तो फ्री आईडीज जो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो इस फीचर को अवेल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पेड यूज़र्स के लिए अभी ये फीचर्स अवेलेबल हैं गूगल मीट के अंदर, ठीक है। गूगल की तरफ से जो फ्री यूज़र्स हैं वो इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि जैसे गूगल ने पहले मीट को अवेलेबल करवाया था फ्री यूज़र्स के लिए भी, तो वो इन सारे फीचर्स को फ्री यूज़र के लिए भी अवेलेबल करवा देगा, ठीक है दोस्तों। तो जिन लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद ये सारे नए कंट्रोल्स के बारे में पता चला है, वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए उन लोगों के साथ में जिन लोगों को ये नए फीचर्स नहीं पता हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो वो जो सब्सक्राइब बटन है उस बटन को आपको प्रेस करना है ताकि मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाए और आपको मेरे नए वीडियो के जो नोटिफिकेशंस है वो फ्यूचर में मिलते रहें, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे एट होम।